नमस्कार दर्शक मित्रों अतिथि मा फरी एक बार आपनो स्वागत छे अतिथि એટલે એવો કાર્યક્રમ કે જે કાર્યક્રમમાં વિશિષ્ટ વ્યક્તિઓ સાથે આપની મુલાકાત કરાવે છે અને વાતો કરે છે અંતર આજે આપની સાથે છે ગુજરાત યુનિવર્સિટીના વાઇસ ચانسલર આદેશ પાલજી આદેશજી આપકા સ્વાગત છે કાર્યક્રમમાં થેન્ક યુ આદેશજી ઉત્તર પ્રદેશ મધ્યપ્રદેશ ઓર ગુજરાત યે એક એક્સપ્રેસ ટ્રેન કા રૂટ જેસી આપકી જીવન કી જો યાત્રા હે પૂરી હુઈ ઉત્તર પ્રદેશ સે શુરુ હોકે આજ જો એક મકામ પે પહોંચી હે વો હે ગુજરાત गुजरात यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी वाइस की पोस्ट पर अगर कम शब्दों में अगर इस यात्रा को अगर एक्सप्लेन करना है कैसे करेंगे देखिए गुजरात यूनिवर्सिटीज इन कंट्री बिकॉज दिस इज द लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द स्टेट एंड शुड बी प्राउड ऑफ दैट एंड टू बिकम वाइस चांसलर ऑफ Given the responsibility of a university like this, I mean this is a great privilege and I feel honored uh, to, to grace the seat of vice-chancellor of uh, such an old and such a prestigious institution. jo jarni ki As a matter of fact, our generation pelejo uh forefathers they had migrated from Rajasthan to Uttar Pradesh. उत्तर प्रदेश से उस समय वहाँ पे वीर बहादुर सिंह जी की जी। सरकार हुआ करती थी सो डायरेक्ट अपॉइंटमेंट बाय द यूनिवर्सिटी वो बंद हो गए थे और यूपी हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन चला था और एक ऐसा ट्रांजिट पीरियड आया जिसमें तीन से चार साल तक अपॉइंटमेंट्स नहीं होते थे तो आई हैड ऑलमोस्ट कम्प्लीटेड माई पी एंड अप्लाई आई अप्लाइड आउटसाइड

Uh, बहुत अच्छा वहाँ करीब आठ दस साल हम लोग रहे uh, एक तरह से वहाँ की मिट्टी में मिल गए बिल्कुल uh, अभी हम आज uh, यहाँ से भी जाते हैं तो हम दो महीने में या कभी भी महाकाल जरूर होके आते हैं मतलब जितना मेरठ जाते हैं उससे कम से कम तीन या चार गुना ज़्यादा महाकाल पे जाते हैं फिर प्रमोशन की बात आई तो एक एडवर्टीजमेंट था मेरे एक दोस्त ने इधर भेजा था एक एडवर्टीजमेंट पाटन यूनिवर्सिटी का पाटन इज अनदर हिस्टोरिकली वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस है ना हिस्टोरिकली एज वेल एज रिलीजियसली एंड अपना जो पुराना जो कल्चर है लाइक रान की और द सन टेम्पल इन इन पाटन सो दीज वर अट्रैक्शंस तो मैंने वहाँ पाटन देखा नहीं था कभी गुजरात mm. यूनिवर्सिटी में ही इंटरव्यू हुए थे उसके एंड वंस अगेन महाकाल की कृपा से आई गोट सेलेक्टेड आई जॉइंट द पोस्ट ऑफ रीडर इन द डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश इन हेमचंद्राचार्य नॉर्थ गुजरात यूनिवर्सिटी अब वहाँ से हम लोग अपना एक अलग से सिंस 2002 आई वाज हेडिंग द डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश देयर एंड आई हैड आल्सो अप्लाइड फॉर ए वेरी स्पेशल सेंटर ऑफ रिसर्च टू द यू जी सी दैट इज़ डायस्पोरा सेंटर दैट इज सेंटर फॉर इंडियन डायस्पोरा एंड कल्चरल स्टडीज़ शुरू से थोड़ा सा इंटरेस्ट ये रहा कि सब कुछ पढ़ते हुए जो फॉर्मल डिग्रीज़ जो भी हैं जो ज़रूरी हैं वो तो ज़रूर चलें लेकिन हमें रिसर्च का जहाँ तक सवाल है अपनी कल्चर उसमें वो बेडिंग होना चाहिए उसमें हमको रिसर्च करनी चाहिए हमारे रिसर्च के जो पैरामीटर्स हैं जो रिसर्च टूल्स हैं हमारे दे शुड फ्लो फ्रॉम अवर ओन कल्चर क्योंकि जेनविन रिसर्च तभी हो सकती है जो आप जानते हैं जी, जी, जिसमें आप पैदा हुए हैं हम लोग जो ना ब्रिटिश मतलब पैरामीटर से या टूल से नहीं कर सकते हैं या अमेरिकन से नहीं कर सकते हैं चाहे हम शेक्सपियर पढ़ें या कुछ भी पढ़ें नाव 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 सीधा सवाल सीधा सवाल कि आप आप कहते हैं कि रिसर्च जो भी है जो मिट्टी में पले है जहां हम बड़े हुए हैं जिस कल्चर को हमने पढ़ा है जिस कल्चर को हमने समझा है जिस कल्चर को हमने जिया है उसी कल्चर में अगर रिसर्च हो तो बेहतर प्रदर्शन हो सकता है और कहीं सच्चाई क्योंकि रिसर्च में भी ये कई बार बात होती है कि रिसर्च में सिर्फ लिखने के लिए होती है कई बार उसमें मैन्युपुलेशन भी होता है सीधा सवाल आदर्शी क्या क्या आपको लगता है कि जिस तरह से हमारे यहां हायर एजुकेशन में जो सिस्टम बनी गई है डू यू फील दैट दैट इज अ प्रॉपर सिस्टम कि उसमें बदलाव आने चाहिए देखिए पर्टिकुलरली जो हम बात कर रहे हैं हम रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं की बात अब एक बात तो एट द आउटसेट है ना मेरा कि हर जगह खराब रिसर्च नहीं हो रही है हमें ये बिल्कुल मान के नहीं चलना चाहिए कि 100 परसेंट जो ना खराबी हो रही है देर आर इन ऑल यूनिवर्सिटीज़ कुछ लोग तो कुछ रिसर्चर्स तो रहते ही हैं इंडिविजुअली कि जो जेनविन रिसर्च स्टिल मतलब जो ना करते हैं और करना चाहते हैं रही बात आपकी बात ये ठीक है कि ओवरऑल जो है ना एक रिसर्च में थोड़ा थोड़ा रिसर्च में मतलब स्टैंडर्ड्स में मतलब थोड़ा गिरावट आई है वो मार्केट को देख के या अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब या जॉब मतलब पाने के लिए मतलब कई बार लोग करते एक वो फॉर्मल सा हो जाता है दूसरी बात है कि इंटरेस्ट भी बहुत कम लोग लेते हैं जैसे कि आपने खुद इनिशिएटिव लिया कि मुझे ये करना है करके लेकिन बच्चे आजकल के स्टूडेंट को वो लेवल तक वो गोल तक वो स्टेज तक पहुंचाने में हमारी यूनिवर्सिटीज कहीं 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 इतना प्रयत्न नहीं कर रही है क्योंकि यूनिवर्सिटी सिर्फ डिग्री ले लो बाहर जाओ हमारी डिग्री से हमारे वहाँ पढ़ाई करने से आपको ये पैकेज मिल सकता है दैट्स ऑल देखिए बड़ी न्यूट्रैलिटी के साथ देवांग जी आपका क्वेश्चन बहुत जेनविन है बड़ा डीप भी है एंड इट्स ए ग्रेट कंसर्न लेकिन uh, दो चीज़ें हैं जो हमें अपने माइंड में इसमें देखनी होगी हुँ. एक तो क्या कि यूनिवर्सिटीज और अपना जो हैं एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस दे आर टू कैटर टू द डिमांड्स ऑफ द स्टूडेंट्स नहीं Digital दूसरी बात नो 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 दूसरी बात नहीं नो इट इज़ नॉट कंप्लीट माय माय आंसर इज नॉट कंप्लीट आई वुड सबमिट कि स्टूडेंट्स के लिए यूनिवर्सिटी मतलब बनती है लेकिन उसके पैरामीटर्स स्टूडेंट को क्या हमको वैल्यू क्या संस्कार क्या मतलब जो ना हमको हाई लेवल ऑफ रिसर्च देना है देट इज़ टू बी प्रमोटेड बाई द एकेडमिक इंस्टीट्यूशन सेकेंडली आज करंट ग्लोबली आज कोई चीज़ मतलब जो है ना तो नहीं जो ही सकता कि भाई ये पूरी मतलब जो है आप केवल गुजरात में देखना है आपको नेशनल लेवल पे इंटरनेशनल लेवल पे आज ए ग्लोबल लेवल पे कोई भी मतलब जो ना चीज़ों को देखना होता है तो दो चीज़ें हैं एक तो है इंफॉर्मेशन लेवल जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उसमें कई बार देखिए बहुत सारे कोर्सेज़ हैं लाइक मतलब नर्सिंग के कोर्सेज़ हैं या इस तरह के और बहुत सारे कोर्सेज़ हैं जो इसमें कंप्यूटर्स में हैं जो खुलते हैं जो आज वर्ल्ड मार्केट में जिसकी ज़रूरत है तो एम्प्लॉयबिलिटी को देखते हुए स्टूडेंट्स की डिमांड जनरेट होगी इस तरह की लेकिन 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 आप 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 आपका अब आप, आप बिल्कुल सही है कि स्टूडेंट भी चाहते हैं कि एम्प्लॉयमेंट चाहिए उन्हें और एक जिस तरह से ये जनरेशन अभी खास करके खुद अपने पाँव पर खड़े रहना चाह एक ज़माने में हम कहते थे कि बाप कहता था बेटे को कि बेटा आपकी उम्र ये हो गई अभी अपने पाँव पर खड़े होना सीख लो अभी बच्चे खुद कहते हैं कि पापा मेरा इतना हो गया अभी मैं अपना खुद खर्चा निकालूंगा लेकिन 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 इस दौड़ के पीछे सही में इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी जो हमें आने वाले डिकेट्स में सेंचुरीज में चाहिए कहीं हम उसमें धीरे 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 वैक्यूम बढ़ता जाता है क्या उसका नहीं वैक्यूम नहीं मतलब देखिए मैं ये कहना चाहता हूं कि जो ये सेकंड थिंग सेकंड थिंग कि उसके लिए गवर्नमेंट भी इनिशिएटिव नहीं लेती है ना ना यूनिवर्सिटीज इनिशिएटिव लेती है मेरे हिसाब से आज की तारीख में प्रोफेसर बनने के लिए कोई स्टूडेंट रेडी नहीं है देखिए मेरा आपको सबमिशन यह है मैं आपको बताऊं कि प्रोफेसर बनने के लिए स्टूडेंट्स तो रेडी हैं लेकिन आपका जो क्वेश्चन वो दूसरा जो इससे पहले हुँ. आपने पूछा था कि वो रिसर्च का जो इंसेंटिव है जेन्यन रिसर्च का वो नहीं होता है फॉर्मल डिग्री लेके जो एलिजिबल क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी का है हुँ. वो डिग्री लेने में स्टूडेंट ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं दैट इज़ ट्रू लेकिन जेनविन रिसर्च इज़ एट टाइम्स मतलब इट इज़ मिसिंग उसके लिए जहाँ तक इंसेंटिवस का है गवर्नमेंट का है या मतलब स्टेट गवर्नमेंट का हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का ये जैसे यू का है यू में उसका मतलब जो ना रिसर्च को प्रमोट करने के लिए बहुत सारी स्कीम्स हैं प्रॉब्लम ये होता है कि सब स्टूडेंट्स को स्कीम्स मालूम नहीं होती या यही 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 सवाल कि क्या क्या लेकिंग है गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीमें खास करके ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो कि कुछ करना चाहते हैं लेकिन उन तक नहीं पहुंची है कहां लेकिन उसके लिए बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद दर्शक मित्रों समय थोड़ा विराम नो विराम बाद आदेश पाल जी साथ नहीं बात हो बीजा तबका गुड डे गुजरात रोज सवार सात कलाके लोकमंच सांजे आठ कला के विराम बाद फरी एक और स्वागत आपको कार्यक्रम आती थी मां आदेश जी ब्रेक से पहले हम बात करते थे कि गवर्नमेंट की स्कीम्स है इंसेंटिव स्कीम्स है लेकिन आज अगर सर्वे किया जाए बच्चों को पूछा जाए कोई भी लेवल की यूनिवर्सिटी हो उस बच्चे को पूछा जाए कि सरकार आपको हायर एजुकेशन के लिए रिसर्च वर्क के लिए क्या क्या आपके पास फैसिलिटीज मिल सकती है क्या क्या इंसेंटिव्स मिल सकते हैं मेरे हिसाब से स्टूडेंट्स इसके बारे में बिल्कुल अवेयर नहीं है किसकी गलती मानते हैं यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर की प्रोफेसर्स की या गवर्नमेंट इतना सारा करोड़ों रुपया अब रुपया खर्चा करता है स्टूडेंट्स के लिए कुछ नहीं कौन जिम्मेदार इसके लिए देखिए मेरा मैं ये कहना चाहूंगा कि खर्चा तो जितना भी है वो सब स्टूडेंट्स के लिए होता है आफ्टर ऑल मतलब यूनिवर्सिटी में हो या मतलब कॉलेज में हो और बहुत सारी स्कीम्स जैसे अभी अभी जो ना गवर्नमेंट ऑफ गुजरात का ही है रिसेंटली हम लोग भी जाने वाले अभी प्रवेश महोत्सव अभी मतलब जो ना माननीय एजुकेशन मिनिस्टर ने Uh, और ऑनरेबल चीफ़ मिनिस्टर ने अभी एक प्रोग्राम ये चलाया कि तमाम आईएएस ऑफिसर्स भले अपनी फैमिली को लेकर जाएं सभी स्कूल्स में हर जगह जाके कि ताकि जो ये रेट है मतलब जो ना कन्याओं के लिए है जो उनका डाउन है मतलब एडमिशन लेने का कि उनको सबको प्रमोट करें लोगों को एनकरेज करें और इस तरह के प्रोसेस में एक इसको सेलिब्रेशन की तरह से नॉट दैट इट्स ए बर्डन कि कॉलेज में जाना स्कूल में जाना बच्चों को बर्डन नहीं लगे इस तरह की स्कीम अभी वाचे गुजरात में मतलब इतना हुआ और वो खेल महाकुंभ हुआ मतलब स्कूल में कॉलेज में प्रवेशोत्सव के लिए ये सब किया जाता है इट्स अ रियली मैटर ऑफ एप्रीशिएशन बट 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 एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेजेस गवर्नमेंट स्कूल्स बंद हो जाती है कम हो जाती है ग्रांटेड बंद हो जाती है प्राइवेट कॉलेजेस प्राइवेट स्कूल्स बढ़ा देते हैं और प्रवेश प्रवेश लीजिए आप लेकिन इतनी बड़ी फीस दे के क्या ये जिम्मेदारी नहीं है क्या दे नहीं है ये कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज खुद अपने इतने क्लासेस नंबर ऑफ क्लासेस बढ़ाए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उस फ्री कोर्स में पढ़ने के लिए आए बजाय वो पचास हजार एक लाख रुपया डोनेशन लेके एडमिशन ले क्या नॉन ग्रांटेड कॉलेज बढ़ा के हम कॉलर ऊंचा ऊपर करेंगे कि यस हमारे यहाँ इतने स्टूडेंट्स इतने पढ़ते लेकिन कितनी फीस भरते वो लोग देखिए अभी मैं बताऊँ आपको कि इस बार साइंस का मतलब इसका इंटरमीडिएट का बहुत अच्छा रिजल्ट आया है अभी कल हमारी मतलब यूनिवर्सिटी में ऑफिस में बात हो रही थी कि अच्छा स्टूडेंट का रिजल्ट आया तो अपन उसके लिए क्या करें क्योंकि स्टूडेंट की डिमांड होगी एडमिशन के लिए तो मैंने चेक किया कि जितने भी मतलब अपने गवर्नमेंट या ग्रांटिडेड जितने भी कॉलेजेस हैं उसमें काफ़ी मतलब डिवीज़न मतलब दो, दो दो गुना डिवीज़न इन कंपेरिजन टू जो प्राइवेट या सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेज़ हैं उनके कम्पेरिज़न में ज़्यादा ज़्यादा इनटेक उनको छः छः सौ का इनटेक मतलब चार चार डिवीज़न जो ना उनको दिया हुआ है नहीं। 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 कोई ज़रूरत पड़े तो हम मतलब स्टूडेंट को एकोमोडेट करने के लिए जहाँ तक ग्रांटिनेड और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन का सवाल है hmm. उनके ऊपर तो बर्डन ऑलरेडी मतलब जो ना वो काफ़ी है ऑलरेडी इन कंपैरिजन टू सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूशन और दूसरी बात देवांग जी ये है कि मतलब जो सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूट हैं या पब्लिक का जो पार्टनरशिप है इन द ओवरऑल डेवलपमेंट और ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द सोसाइटी दैट इज ऑल्सो नॉट ऑलवेज निगेटिव क्योंकि बहुत सारा शुरू से आप देखिएगा कि अगर आप अपनी हिस्ट्री में जाएँ तो राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग है ना और प्री इंडिपेंडेंस से भी मतलब बहुत सारे इंस्टीट्यूशन जो है ना पहले मतलब राजा महाराजाओं से फिर वो प्राइवेट ट्रस्ट से इस तरह से मतलब जो ना कॉलेजेस और ये इस्टेब्लिश होते आ रहे हैं अपने यहाँ अगर आप तक्षशिला नालंदा से तब से चलेंगे जो ना ये तो ये सब ऐसे नहीं कि मतलब जो ना किसी भी हमेशा गवर्नमेंट ने मतलब जो ना ये किया हो बहुत सारे इंस्टीट्यूट हमारे उस उस तरह के मतलब हैं लेकिन सवाल इस बात का है कि क्वालिटी क्वालिटी मेंटेन मतलब होता है कि नहीं? That is thing, अब yeah. अब उसमें जिन जिन लोगों ने पचास पचास सौ सौ साल से इंस्टीट्यूट खड़े किए हुए हैं आपके अहमदाबाद में भी hmm. हैं ऐसे तो वो वो आज आज स्टेट के सबसे अच्छे कॉलेज या स्कूल्स मतलब वो माने जाते हैं और वो लोग चला भी रहे हैं क्योंकि उसमें एक पैशन जो ना मतलब ट्रस्ट का रहा है कि भाई हम समाज को सेवा करने के लिए मतलब वो चला रहे हैं अब मेंटेनेंस के लिए क्योंकि सेल्फ फाइनेंस है तो मेंटेनेंस के लिए उसके लिए नेचुरली अपना पैसा भी लेंगे इस, इस लेकिन ये जो ये वाला के... जो था मैं ये बस ऐड करना चाहूँगा कि जो लाख लाख रुपए लेके जो लोग करते रहे जब उसका क्रेज रहा और लाख लाख रुपए लेके दो दो लाख रुपए के जो एडमिशन करते रहे दैट इज दैट इज़ अनडिजायरेबल है ना उसके ऊपर कुछ कंट्रोल होना चाहिए जो आज की तारीख़ में वो नहीं है, तो मैं आपको ये सब्मिट करना चाहता हूँ इसी बात पे कि जो ये पिछले दिनों हुआ लाइक मतलब कंप्यूटर साइंस में लाइक मतलब मैनेजमेंट में लाइक बी बी ए कॉलेजेज हैं या मतलब बी एड में ही है तो एक समय था हाँ आपसे मतलब छः सात साल पहले कि उसमें एडमिशन होते थे तो मतलब जो ना दो दो तीन तीन लाख रुपये लोग दे दे के एडमिशन लेते रहे देर वॉज इन फ्लो ऑफ स्टूडेंट लेकिन आज हमने इसी बार क्या किया है हमने बिल्कुल ये की 100% परसेंट ट्रांसपेरेंसी 100% परसेंट ट्रांसपेरेंसी एडमिशन में एडमिशन में कि चाहे वो ग्रांटेडेड कॉलेज हो या वो सेल्फ फाइनेंस, इट इट बी ऑन मेरिट ओनली, इज टू बी इट इट हैज टू बी ऑन मेरिट देयर इज नो रिकमेंडेशन फ्रॉम द वाइस चांसलर है ना फ्रॉम द साइड ऑफ है ना फ्रॉम द ऑफिस ऑफ दर एडमिशन के लिए मेरे पास मत आना क्योंकि वाइस चांसलर की खुद की <laughs> कोई सिफारिश नहीं चलने वाली नहीं बहुत है। बहुत मेरी नम्र विनंती है हाँ। क्योंकि वाइस चांसलर का तो कोई इसमें रिकमेंडेशन का मतलब कोई स्पेस ही नहीं है हाँ, हाँ। uh, देखिए मैंने एक बड़ा सोच समझ के मतलब जो ना विद अपने कॉन्शियंस uh, से मतलब ये डिसीजन ये लिया है कि अगर वाइस चांसलर वन हु इज हेडिंग द इंस्टीट्यूशन ही इज द कस्टोडियन ऑफ एजुकेशन uh, है ना अगर वही रिकमेंड करेंगे तो फिर नॉर्मली क्या होता है लेकिन इसमें तो होगा ये आदेश ही कि अगर आप नहीं करना चाहेंगे लेकिन बहुत बड़े ऐसे मिनिस्टर्स है ऐसे एम एल एज है कॉरपोरेटर्स है जो ऑफिस बैरर है पोलिटिकल पार्टीज़ के नाराज़ हो जाएगी आपसे नहीं मेरा देवांग जी आपसे ये निवेदन था मेरा कहने का मतलब ये था कि वाइस चांसलर अगर कोई रिकमेंड करते हैं सपोज दस अगर एडमिशन वाइस चांसलर ने किसी भी कॉलेज को बोला है

आप मेरठ मेरठ, मेरठ, भी, अहमदाबाद so, uh, जी। हिस्टोरिकल प्लेसेस के साथ साथ इतना लगा होने के बाद आदेशपाल खुद हिस्ट्री भी बनाते नो व्हाट योर गुड सेल्फ इज इंटिंग एट आदेशपाल जी ऐसी हिस्ट्री बनाते जो कि uh, लोग uh, जीवन भर याद करे कि ऐसा कहा जाता है कि आदेश पाल किसी का आदेश मानते नहीं है नहीं मेरा नाम तो आदेश पाल है तो मैं आदेश का पालन नहीं करता हूँ लेकिन पालन उनका करता हूँ जो मेरे आदेश देने के लिए मेरे ऊपर हैं लोग जो है ऊपर लोगों की बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद दर्शक दर्शकों समय से मुझे विरामो अंतिम तबक्का नी बात हो गुजरात यूनिवर्सिटी ना वाइस चांसलर आदेश पाल जी साथ एक ब्रेक बची धंधात्व ने बुधवारे बुधवार बपोरे चार कलाके ब्रेक बाद फरी एक बार स्वागत है कार्यक्रम अतिथि में आदेश जी ब्रेक से पहले आपने बताया कि मैं उन्हीं का आदेश मानता हूं मेरे ऊपर वाले का ऊपर वाले कौन है ये सवाल बार बार उठता है कि आदेश जी के ऊपर किसका हाथ है किसी की साया है किसी का छाया है देवंग जी बहुत बढ़िया आप जो ना बोल रहे हैं वेरी फाइन लेकिन मैं इसको मैं थोड़ा सा क्लैरिटी मतलब लाना चाहूँगा देखिए हर चीज़ का एक मतलब जो ना सिस्टम होता है दिस इज़ ए स्टेट यूनिवर्सिटी इसमें स्टेट यूनिवर्सिटी में आई मीन यू हैव टू यू हैव टू वर्क यू नो एज एज पर द डायरेक्शंस एंड इंस्ट्रक्शन ऑफ द स्टेट ऑफ द गवर्नमेंट वी ऑल्सो हैव द चांसलर राइट हमारे ऊपर जो ना स्टेट गवर्नमेंट है हमारे ऊपर ऑनरेबल चांसलर मतलब जो ना होते हैं तो कोई भी होगा तो हम उनका नेचुरली आदेश पाल का जो आपने नाम बताया मेरा तो आदेश का पालन करने का तो काम है ही निश्चित रूप से लेकिन वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी में कुछ थोड़ा अपना मतलब ऑटोनॉमी होती है ऑटोनॉमी होती है क्योंकि देर इज़ ऑटोनॉमी इन द सेंस ऑफ ड्यूटी कि वाइस चांसलर को एक अपनी ड्यूटी मतलब डिस्चार्ज करनी है यहाँ पे उनको एक काफ़ी बड़ा फील्ड होता है जिसमें मतलब आपको काम करने का है बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है इसकी तो हम कोशिश ये करते हैं कि जो यूनिवर्सिटी का स्टेटस है जो यूनिवर्सिटी की एक, एक प्रेस्टीज है उसको यूनिवर्सिटी की प्रेस्टीज बढ़े उसमें क्योंकि ऑफिस इज नॉट फॉर आपके आपके विरोधियों का एक स्पष्ट आक्षेप है कि आदेश पाल ने गुजरात यूनिवर्सिटी की जो रेपूटेशन थी उसको बहुत ख़राब कर दिया है अलग अलग आला किसे बता दें स्विमिंग पूल आप घर पे बनाते हो उनके लिए कहते हैं कि क्या ज़रूरत है जब पानी के लिए लोग तरसते हैं उस वक्त आदेश पाल जी अपने जो वीसी का बंगलोज है उसके अंदर स्विमिंग पूल बनाते हैं नरअरी अमीन जो कि सी एम साहब उनको क्लोज लाने के लिए कोशिश करते हैं आदेश पाल जी उनका आदर नहीं करते उनका आदेश मानते नहीं हैं बहुत सारी ऐसी कोशिशें आदेश पाल जी की है जो कि खुद सरमुख त्यार की तरह आदेश पाल अपना वर्ताव करते हैं देखो देवांग जी वाइस चांसलर को ऑर्डर मानना होता है उनके ऊपर एजुकेशन मिनिस्टर हैं हमारा जो रिपोर्टिंग ऑफिसर होते हैं वो एजुकेशन मिनिस्टर होते हैं उनका कोई इंस्ट्रक्शन होता है तो मतलब नेचुरली मतलब वी हैव टू ओबे दैट राइट रही नरहरी साहब की बात जो है ना मैं बहुत आदर करता हूँ सीनियर मोस्टिना एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेम्बर तो मैं बहुत आदर करता हूँ उनका अब एक तो मेरा क्वेश्चन मतलब जो ना आपसे ये है कि अब कौन कौन लोग रह गए जो ना लेट अस हैव ए लिस्ट मतलब जो ना किनका स्पेशली एट द कॉस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी आपको आदर करना है मैं आपको ये निश्चित रूप से मेरा बड़ा विनम्र विनंती ये है मेरा एक निवेदन ये है कि यूनिवर्सिटी की कॉस्ट पे एक्स वाई जेड का आदर करने के लिए मतलब चलेंगे इसके लिए वाइस चांसलर का अपॉइंटमेंट नहीं होता है वाइस चांसलर का बिल्कुल फिक्स जो ना यूनिवर्सिटी का प्रेस्टीज यूनिवर्सिटी का Uh, जो जो वर्किंग है उसमें मतलब यूनिवर्सिटी का रिसर्च लेवल वो ऊपर आना चाहिए वो सब चीज़ों के लिए काम किया जाता है अगर थोड़ा सा मतलब जो ना इफ़ यू परमिट मी तो मैं आपको एक चीज़ जरूर कहना चाहूँगा जिसपे लोगों को थोड़ा सोचने की ज़रूरत है नॉर्मली आप देखिएगा जरा सोचिएगा कभी मतलब जो ना एट एट योर कन्वीनियंस और लेजर कि कई बार एकेडमिक इंस्टीट्यूशन उनका एक ऑब्जेक्टिव होता है वेन दे आर स्टेबलिस्ड ना Uh, उनमें बहुत सारा देखिए इतना इंफ्रास्ट्रक्चर करने में बहुत सारा पैसा लगता है hmm. और वो सोसाइटी के मतलब दे आर गोल ओरिएंटेड hmm. अब उसकी जगह एकेडमिक टू एकेडमिक्ट एजुकेशन एंड एंड सीरियस एंड क्वालिटी एजुकेशन ये उनका मेनली मतलब जो ना फंक्शन होता है कैन आई कैन आई कैन आई टेक इट एज अ डायरेक्ट ब्लेम टू प्रीवियस वाइस चांसलर नहीं प्रीवियस वाइस चांसलर साहब से मेरा किसी तरह का कोई ब्लेम का सवाल नहीं है लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि देर आर फोर्सेस हमेशा विद पॉलिटिकल मोटिव स्टूडेंट political, political student, political student यूनियन है, है चाहे एबीवीपी हो एन एस यू आई हो क्या आपको लगता है कि ये स्टूडेंट ये लीडर्स ये को ऐसी ऐसी विंग को जो करना चाहिए सही में क्या उनसे कुछ अलग हटके वो लोग कर रहे जो कि उनका गोल होना चाहिए उद्देश्य होना चाहिए उससे कुछ हटके जा रहे स्टूडेंट लीडर हाँ देखिए मैं इंडिविजुअली किसी को मतलब जो ना, ना, ना जन्रल लेकिन इन जनरल मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ओवरऑल जो ना एक जनरल मतलब जो ना जो जो मेरा अपना रीडिंग ये है और जो मतलब बहुत जो सीजन लोगों का भी है कि कॉन्ट्रीब्यूशन टू एजुकेशन सिस्टम या कॉन्ट्रीब्यूशन टू जो योगदान मतलब जो ना एजुकेशन में होना चाहिए जिसके लिए मतलब जो ना देखिए चाहे एन हो चाहे ए हो चाहे कोई और कोई भी स्टूडेंट लीडरशिप हो या ग्रुप हो उनका जब भी आप यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो माई फर्स्ट क्वेश्चन इज की वाट इज योर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द एजुकेशन सिस्टम व्हाट इज़ योर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स दे आर दे 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 कम एज सिनेट मेंबर्स एंड जो तो मेरा पहला क्वेश्चन ये कि भाई सीनेट मेंबर तरीके तमें एक अपना कॉन्ट्रीब्यूशन जो ना यहाँ पे बताइए hmm. ना कि केवल मतलब जो ना यू बिकम समटाइम्स है ना आप, आप बिल्कुल एक एक एजेंसी बन जाते हैं कि भाई आपको इतने एडमिशन दिलाने हैं इतना ये करना है काम जो ना राइट right? जब भी एडमिशन दिलाने चलते हैं वो चार को एडमिशन दिलाते हैं जो लोअर आप मेरिट पे एडमिशन दिला दिया तो दे फील सेटिस्फाइड है ना दे हैव ए सेंस ऑफ मीनिंग यू नो क्योंकि उनका अपना वह भी चलता रहता है लेकिन इसका रिजल्ट तो यही है कि चार मेरिटोरियस लोगों की जगह आपने जो लेस लोगों को रखवा दिया उनसे इनजस्टिस हुआ तो इनजस्टिस होगा ही मतलब जो ना देखे वाइस चांसलर तो यहाँ सब सारे स्टूडेंट लेके बैठे नहीं है नाउ 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 वक्त बहुत कम है वक्त बहुत कम है एक 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 बात ये भी निकली है कि यूनिवर्सिटीज़ में कॉलेज़ में इलेक्शंस बंद कर दिए स्टूडेंट्स के इसकी वजह से आने वाली पीढ़ी में एक अच्छे से स्टूडेंट लीडर जो यहाँ से बेस बनता है उनका वो बहुत कम होता जा रहा है आने वाले दिनों में वो सीज़न नहीं मरते सीधे आई ए एस आई पी एस की तरह सीधा रिक्रूटमेंट मिल जाता है उनको टिकट मिल जाती है ग्रास रूट लेवल का, का काम जो बच्चे को करना चाहिए वो इलेक्शन कॉलेज में नहीं होते इसकी वजह से हुआ है आप क्या मानते हैं इंडिविजुअल पर्सनली आदेश पाल जी कि कॉलेज में इलेक्शन होने चाहिए देखिए लीडरशिप क्वालिटी एक डेवलप करने के लिए देखिए हमने तो सेनेट के इलेक्शन कराए हैं अभी आई एम अबाउट कॉलेज में जो आ, जीएस के इलेक्शन होते हैं उस मैं ज्यादा जो ना Uh, मैं मैं बहुत मैंने इस पर कोई सोचा नहीं है सो आई वुड रेस्ट्रिक्ट माई सेल्फ इन ऑन दिस फाइन दिसन यल तो मैं पोलिटिकल तो मेरी पोस्ट भी नहीं है आई एम एन एकेडेमिक नहीं किसी? फिर भी किस कौन 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 से पॉलिटिशियन अच्छे लगते हैं आपको हिंदुस्तान की राजनीति में नहीं मुझे तो नेचुरली ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात बिकॉज आई एम वर्किंग अंडर हिम दैट्स ओनली नहीं नहीं आई एम वर्किंग अंडर हिम तो मेरा जोरिस्डिक्शन uh, जो है इसमें uh, वो लिमिटेड है और लिमिटेड uh, क्या है कि मतलब एज ए मैटर ऑफ फैक्ट है ना अनहेजिटेटिंगली एंड विद कन्विक्शन आई कैन से कि आई आई नॉट ओनली रेस्पेक्ट हिम आई लव हिम टू नरेंद्र मोदी आई लव हिम है ना ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री नरेंद्र भाई मोदी एट लास्ट एट लास्ट एट लास्ट ऐसी तीन कौन सी वीकनेसेस आपको दिखती है जो कि एजुकेशन सिस्टम में हमें बहुत जल्द सुधार लाने चाहिए तीन सिस्टम तीन ऐसे सिस्टम कौन से सुधारनी चाहिए देखिए एक तो इमीडिएटली ये है हमारा कि हमें वर्ल्ड लेवल पे है ना वर्ल्ड लेवल पे हमें कॉम्पीट करने के लिए जेनविन रिसर्च एम्बेडेड इन योर ओन वैल्यू सिस्टम जो है दैट इज़ नेसेसरी जो ना हमें पैशन के साथ मतलब रिसर्च करना होगा एंड विद आवर आईज ओपन कि जो वर्ल्ड लेवल पे हो रहा है उसमें सिंसैरिटी एंड ऑनेस्टी उसके साथ हमें काम करना होगा सेकेंडली hmm. जो एक एजुकेशन सिस्टम में है कि डेमोक्रेसी में जो स्टूडेंट्स राइट हैं और स्टूडेंट का जो अपना एक एक ग्रोथ है मतलब पॉलिटिकली वो अपनी जगह हो दैट इज लेजिटिमेट लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ एकेडमिक लाइफ है ना क्योंकि दैट इज़ द फर्स्ट है ना फर्स्ट ड्यूटी है ना उसमें डायरेक्टली कॉन्ट्रीब्यूशन होना चाहिए एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूशन की बजाय जब लाइबिलिटी हो जाते हैं तो एंड लास्ट वन तो यही है कि मतलब कमिटमेंट के साथ अपना एक जो कमिटमेंट लेवल है वो ओवरऑल जो है ना पब्लिक का पार्टिसिपेशन और लोगों का कमिटमेंट ज्यादा से ज्यादा बढ़े क्योंकि ये केवल जो ना इंस्टीट्यूशन का जो ना जो एजुकेशन सिस्टम का इट इज़ नॉट ओनली गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो इंफ्रास्ट्रक्चर दिस इज ओवरऑल ओवरऑल सबकी देखिए हमारा क्या है कि मैं ऐसे मानता हूँ कि व्हेन वी व्हेन वी आर देयर इन द फैमिली एज एन इंडिविजुअल वी हैव अवर ड्यूटीज टू बी डिस्चार्ज टू द फैमिली बाहर निकलते हैं तो सोसाइटी के लिए फिर जब बड़े होते हैं तो क्योंकि आफ्टर ऑल क्या है कि हम इंडिविजुअली जो ना वी आर नॉट आईलैंड वी आर वी हैव वी आर इन ए कॉन्टेक्सट एवरी टाइम और यहाँ पे जब यूनिवर्सिटी में आते हैं जब आप कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि हम लोग करियर कोई अपना बना के जैसे आपने सबसे पहले बोला था कि अपना करियर बनाया ये जॉब ले लिया यहाँ चले गए वहाँ चले गए वी हैव अवर आंसरेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटीज़ टू बी डिस्चार्ज एंड टू द सोसाइटी दैन आफ्टर सोसाइटी यू नो कि यू हैव योर नेशन यू शुड हैव योर कमिटमेंट टू द नेशन अगर ये माइंड में रहेगा कि वी आर द सिटीजन्स ऑफ आवर बिलविड नेशन है ना सो देन તબ કોઈ તકલીફ નહીં હોય થેન્ક યુ વેરી મચ આદેશ બહુ બહુ શુક્રિયા દર્શક મિત્રો આથી ખાસ મુલાકાત આદેશપાલજી સાથે ગુજરાત યુનિવર્સિટીના વાઇસ ચાન્સલર આદેશપાલજી ઘણી બધી દિલ ખોલીને ચર્ચા કરી એજ્યુકેશન સિસ્ટમમાં કયા કયા ચેન્જીસ લાવવા જોઈએ અને ખાસ કરીને તેમના પોતાના કયા ગોલ છે કે જ્યાં એમના ટેન્યુઅર દરમિયાન જેઓ પોતે ગુજરાત યુનિવર્સિટીની એજ્યુકેશન સિસ્ટમમાં બદલાવ લાવવા માગે છે સાથે તેમણે ચર્ચા પણ કરી કે અલગ અલગ વિવાદોની કે જેના કારણે ઘણી બધી વખત તેઓ આદેશ પાલજી ન્યૂઝપેપર અને ન્યૂઝ ચેનલોમાં પણ ચમક્યા છે ફરી મળીશું નેક્સ્ટ એપિસોડમાં એક નવા અતિથિ સાથે ત્યાં સુધી આપશો નમસ્કાર થેન્ક યુ વેરી મચ અગેન થેન્ક યુ